मेरे सुनने वाले तमाम सुनने और देखने वाले अजीजों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज जिस अहम तीन मौजू के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है चाइना के सदर और अमेरिका के सदर के दरमियान वर्चुअली एक अहम तीन मीटिंग हुई है। ये बहुत अहम तीन मीटिंग है। इस मीटिंग के अंदर ना सिर्फ चाइना के ताल्लुकात, अमेरिका चाइना के ताल्लुकात के बारे में बातचीत हुई, इसके साथ साथ ताइवान के बारे में बातचीत हुई, इसके साथ साथ साउथ चाइना सी के बारे में बातचीत हुई, ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत हुई। आज हम इसी मीटिंग के हवाले से बात करेंगे। ये बहुत अहम तरीन मीटिंग है। इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहा है। अभी तक इस मीटिंग को डिस्कस किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया पर और बहुत सारे इसके बारे में आर्टिकल्स भी सामने आ रहे हैं। आज इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब, CEO स्ट्रेटजिक एनालिसिस ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। आप सुनाइए। बस सर, अल्लाह पाक का बहुत करम है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर, बहुत अहम तरीन मीटिंग 15 नवंबर को हुई, इसके बारे में आपने बहुत देर से, मुझे पता है कि आप इस पर नज़र रखे हुए हैं। सर बताइएगा, कोई अंदर की बात बताएं, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल आई हैं, लेकिन कोई आप अंदर की बात बताएं कि इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई दोनों लीडर्स के दरमियान। दोनों जो है एक दूसरे को ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक जब एक सामने नहीं होते तब एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, लेकिन जब सामने आके बैठे हैं तो तब का बताइए कि तब क्या बातचीत हुई। बात ये है कि जो एक कोल्ड वॉर का सिलसिला शुरू किया था ट्रंप दौर में, हमने देखा शुरू हुआ जिसके अंदर पाबंदियां लगाई गई चाइना के ऊपर, ट्रेड वॉर शुरू हुई। उसके बाद जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो इसे चाइनीज वायरस कह के ट्रंप इंतजामिया ने चाइना का मजाक उड़ाया, फिर ट्रंप तो चला गया, बाइडन इंतजामिया आई तो वो भी जो है बहुत एग्रेसिव उसका पोस्टर था टुवर्ड्स चाइना। लेकिन एट द एंड आप जानते हो कि चाइना एक राइजिंग सुपर पावर है, बल्कि राइजिंग सुपर पावर क्या, इस समिट में ये साबित हो गया है और अमेरिका इस चीज को मान गया है कि उसके बराबर की एक सुपर पावर है, नॉट राइजिंग बल्कि एक एक्चुअल सुपर पावर है। और चाइना को नगेट करना या चाइना को इग्नोर करके अमरीका खुद अपना ही नुकसान करेगा। और कुछ खबरें ये भी हैं कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन जा रही है अमेरिका के अंदर, मसलन गोश्त की प्राइसेस के अंदर जो है 24% इजाफा हो चुका है और गैसोलीन जो पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस में 51% जो है वो इजाफा हो चुका है, तो अमेरिकी बड़े इससे परेशान हैं। और इस वजह से जो है अमेरिकी कुछ कंपनीज ने और कुछ बिजनेस कम्युनिटी ने ये बाइडन को मशवरा भी दिया है कि चाइना के साथ टैरिफ की जो जंग है उसे खत्म की जाए और टैरिफ खत्म किया जाए ताकि अमेरिका के अंदर जो कमोडिटीज है उसके ऊपर जो है उनकी प्राइसेस पे काबू पाया जा सके। इसकी एक और वजह जिसको बड़ा इम्पोर्टेंट लिया जा रहा है खास तौर पे हमारे हमसाए मुल्क में, जैसा कि वो कर्नल प्रवीण सोहनी जो है फोर्स मैगजीन का, उसने भी इंकशाफ किया है कि अमरीका अब ये समझता है कि चाइना जो है जो चार डोमेन्स हैं जिसमें स्पेस आ जाती है, लैंड, उसके अलावा एयर और सी, उसमें अमेरिका से काफी मामलात में आगे निकल चुका है। और इसमें प्रवीण सोहनी ने इस चीज का भी इंकशाफ किया कि पिछले 6 माह से अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो ऑस्टिन है वो मुलाकात करना चाह रहे थे जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सेकंड इन कमांड है जनरल उनसे, लेकिन चाइना 6 महीने से उनको कोई वक्त नहीं दे रहा था कि मीटिंग ये हो सके। तो अमेरिका ये समझता है कि अगर तो ताइवान के मामले के अंदर कोई मामलात खराब होते हैं तो चाइना ने तो अपना एंटी जो है एक्सेस सिस्टम जो है डिनाइल सिस्टम जो है वो तो उसका बहुत मजबूत है, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो उसके और उसके इत्तेहादियों के लिए कोई बड़े जो है नुकसान का बायस बने। क्योंकि जो ये मीटिंग भी करना चाह रहे थे उसमें बेसिकली वो ये समझना चाह रहे थे कि चाइनीज जो है वो रेड लाइंस क्या है, लेकिन चाइना ये नहीं बता रहा। ये जो मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट जी और बाइडन के दरमियान, उसमें प्रेसिडेंट जी ने जहाँ पे उनकी का लहजा, उनकी गुफ्तगू इंतहाई एक मिच्योर किस्म की हमें नजर आई, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई ढींगे नहीं थी कि मैं ये कर दूंगा या हम वो कर सकते हैं, जो चाइनीज का एक तरीका है कि इंतहाई यानी कि फ्रेंडली माहौल में उन्होंने जो है वो बातचीत की और अमरीका को ये कहा कि ताइवान का मामला जो है वो हमारी रेड लाइन है और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं ताइवान के अंदर जो आजादी चाहती हैं, अगर कोई वो मसला करती हैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज चाइना नहीं करेगा। और आपको याद होगा कि अलास्का के अंदर भी एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी मार्च के अंदर,
जिसके अंदर चाइनीज को इनवाइट करके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्नप करने की कोशिश की थी, और उस मौके पे जो चाइनीज फिर अमेरिका के अंदर, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि अमेरिका समझता है कि हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कभी भी चाइना अमेरिका के साथ अपने कोर इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये अमेरिका को समझ जाना चाहिए। तो ये अमेरिका को हार्ड वे से समझ आ गई है वैसे काफी हद तक। मैं आपसे इसी बीच सवाल करना चाहूंगा साउथ चाइना के बारे में भी, ताइवान के बारे में भी। सर क्या आपको लगता है कि शी जिनपिंग चाइना के सदर ने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को ये बड़े क्लियर लफ्जों में बता भी दिया होगा, समझा भी दिया होगा कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर आप इसे क्रॉस करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपने क्या गलती की है, और फिर हम आपको वो जंग शायद प्रिपेयर की गई हो, बनी हो, तो ना भी बनी हो तो अटैक हम लाजम करेंगे और आपको बताएंगे ये आपकी गलती है, तो ऐसी कोई बात हुई? ये तो बिल्कुल, ये साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि रेड लाइन है, इस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब जबकि अमेरिका ने अपने बराबर की एक सुपर पावर तस्लीम कर ली है, और अमेरिका समझता है और जानता है कि खास तौर पे जो चाइनीज रॉकेट फोर्स है, मिसाइल फोर्स जो है, वो बहुत एडवांस है, उनका एक मिसाइल जो तकरीबन 14,000 किलोमीटर का चक्कर यानी कि कर सकता है। अभी कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले आपने सुना कि एक स्पेस व्हीकल जो है उसका भी तजर्बा किया था, जो अमेरिकन कहते हैं हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ, इतनी स्पीड पे वो मिसाइल स्पेस में गया और उधर से वापस आके अपने टारगेट पे हिट किया है, कि उनको बाद में एहसास हुआ कि वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि स्पेस के मामलात में जो नई डोमेन जिसमें अब अमेरिका ने भी स्पेस फोर्स बनाई है तो चाइना इतना एक्सेल कर चुका है। उसके अलावा जो है चाइनीज जो है उन्होंने खामोशी से, उन्होंने कोई ढींगे नहीं मारी, उन्होंने कोई फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने कोई जो है दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने खामोशी से एक मुतबर तरीके से ताकत हासिल की, और उस ताकत के बावजूद चाइना की जो पॉलिसी रही है जिसने अमेरिका को सटपटाया, पहले चाइना के खिलाफ वो उसने अपने आप को खुद जो है थियोसिडाइड ट्रैप के अंदर गिरफ्तार करवाया, चाइना के साथ अगर आप पिछले 4 साल की अगर अमेरिकन बयानात उठा के देख लें, अमेरिकन लीडरशिप का आप तरीका देख लें, तो चाइना को स्नप करने की कोशिश की गई जबकि चाइना की तरफ से कोई एग्रेसिव बयानबाजी नहीं आई। अब जाके जब अलास्का के वाक्य के बाद हमने देखा थोड़ा सा चाइनीज के अंदर गुस्सा था, लेकिन फिर भी चाइना ने बहुत स्मूथ जो है ना तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया, और उसी वजह से अभी आपको याद होगा 2 महीने पहले तो ओकस बनाई है, किसके खिलाफ बनाई, चाइना के खिलाफ बनाई, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मजबूर कौन हुआ चाइना के साथ जो है बैठने के लिए, किसे इस बात का इकरार करना पड़ा कि जी हमें जो है मिलजुल के और मफाहमत के साथ अपने मसाइल को हल करना चाहिए, और यही तो चाइनीज पहले कह रहे थे जिसके ऊपर अब आ रहे हैं। फिर इकोनॉमिक कंडीशन जो है जिस तरह मैंने पहले कहा वो अमेरिका की बड़ी खराब हुई हुई है, अभी मैंने कुछ प्राइसेस भी आपको बताई जिस तरीके से इन्फ्लेशन फैल रही है, तो अब बेसिकली कुछ तजिया कहर ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के साथ हालात ठीक हों ताकि वो अपने आप को बेल आउट कर सके जिन मिसाइल के अंदर जो है वो पैदा हो चुका है। जहां तक चाइना की बात है, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देख लें, अफगानिस्तान के अंदर अमन आ चुका है, तालिबान जो है वहां पर अमन कायम कर चुके हैं, रशिया चाइना बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और सबसे अहम मैं बात बताऊं, अभी आपने ताइवान का जिक्र किया कि बाइडेन और इस प्रेसिडेंट जी की मुलाकात से 7 घंटे पहले चाइनीज जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने ताइवान स्ट्रेट के अंदर परवाज की, जो एक मैसेज भी था अमेरिका के लिए कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कोर इश्यूज, से बातचीत की है। सर मैंने बहुत से ऐसे आर्टिकल्स पढ़े, आपने भी नजर रखते हैं आप इंटरनेशनल अफेयर्स पे, बहुत गई नजर होती है आपकी, आपने बहुत सारी जगह पर पढ़ा भी होगा, तो मैंने बहुत सी जगह पर देखा कि पॉज जो वो है उस वक्त रुकी हुई है ट्रेड पर, तो सर आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन है इस वक्त या उनकी टीम है उनके पास ये भी ऑप्शन इस वक्त मौजूद है कि अगर कोई ज्यादा हालात खराब होते हैं तो एक दफा फिर जो है ट्रेड वॉर लॉन्च कर दीजिए, अगर ट्रेड वॉर लॉन्च की जाती है तो मैं मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि फिर पूरी दुनिया को नुकसान होगा इसमें, सिर्फ उन दोनों की आपस की लड़ाई और किसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ। पहले जब ट्रंप ने की थी ट्रेड वॉर तो उसके एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्म सेक्टर जो वो आ गए थे, उन्होंने कहा खुदा के वास्ते ये कोई कॉम्प्रोमाइज करो वरना हमारा कबाड़ा हो रहा है। अभी भी अमेरिका अगर ट्रेड वॉर करता है क्या करेगा, अमेरिकन ने साफ ही निकाले, इन्होंने भी साफ ही निकाल दिए, अमेरिकन ने कॉन्सुलेट बंद किया, इन्होंने भी जो है कॉन्सुलेट बंद कर दिया, तो नुकसान किसका हुआ, इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन किसकी खराब हुई, वो तो अमेरिका की हुई। फिर मैं एक बात कह रहा हूं कि चाइना जो है एक जवान सुपर पावर है, जबकि अमेरिका जो है अगर आप हिस्ट्री का मतलब करें तो वो अब उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल के ऊपर चाइना का पोटेंशियल है। एक तो आप माशरे को कंपेयर कर लें,
चाइना के ऊपर जो है बाइडन ने कहा कि जी हम अंदरूनी मामलात में जो है ये सिस्टम पे तनकीद शनकीद नहीं करेंगे मामलात। इसका मतलब ये है कि चाइना का जिस किस्म का सिस्टम जितना उसे ईवल दिखाया जा रहा है वही सिस्टम है जो आज चाइना को दुनिया के सफे अव्वल के मुल्कों के अंदर शामिल कर दिया है उस सिस्टम ने। तो चाइनीज बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज को ना ऑकस कुछ बिगाड़ सकी ना क्वाड्स कुछ बिगाड़ सकी। बल्कि एक बुरी न्यूज है हमारे जो है जो ईस्टर्न हमसाए हैं उनके लिए। प्रवीण सवानी ने आज कहा कि इस मीटिंग के बाद ये तो साबित हो गया है कि अमेरिका अगर चाइना और इंडिया का कुछ होता है तो अमेरिका उसके अंदर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि चाइना कह चुका है कि ये हमारा जो है सॉवरेनिटी का मसला है। मसलन जो कुछ इस वक्त LAC के ऊपर हो रहा है, चाइनीज क्लेम है, तिब्बत का हिस्सा वो मानते हैं, इसी तरह अरुणाचल के अंदर चाइनीज क्लेम है, सिक्किम के ऊपर चाइनीज क्लेम है। तो अमेरिका अब उस तरीके से इंडिया की मदद के लिए नहीं आएगा। इंडियंस के लिए एक डायलेमा जो है वो पैदा हो गया है इस मीटिंग के बाद, और इसमें मैं आपके व्यूअर्स को कहूंगा कि वो इंडियन एनालिस्ट की वीडियो आप जरूर देखें, कर्नल प्रवीण सवानी की, आपके लिए काफी नए इंकशाफात होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मोदी ने किस तरीके से अपने मुल्क को बर्बादी की राह में डाला है। जी सर, ये बहुत अहम तरीन मीटिंग थी, क्या आप समझते हैं इस अहम तरीन मीटिंग के अंदर अफगानिस्तान के मुतालिक डिस्कस किया गया होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अब सर्दियां बहुत करीब हैं, दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो सर्दियां आ ही चुकी हैं वहां पर, तो एक ह्यूमन क्राइसिस का खतरा है वहां पर, तो क्या सर इस मीटिंग के अंदर इस हवाले से भी बाइडन के सामने शी जिनपिंग ने ये चीजें रखी होंगी कि आप उनके जो एसेट्स हैं उनको आप अनफ्रीज करें, उन तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें प्रॉपर, और क्या बाइडन ने शी जिनपिंग को मना किया होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाब देख रहे हैं जरा उस पर ये लेवल ही नहीं है। दोनों सुपर पावर्स है, लेवल नहीं है। हाँ, हालात के ऊपर जरूर तशवीश का इजाफा जो तशवीश का इजहार हुआ जो आपने मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, क्योंकि एज सच अभी तक कोई ऐसी कंक्रीट चीज तो सामने नहीं आई है सिवाय जो व्हाइट हाउस की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग है। तो यकीनन जो हालात है, मसलन जो यूक्रेन के हालात चल रहे हैं, फिर पोलैंड के हालात चल रहे हैं, उनके ऊपर जरूर तबादला ख्याल हुआ होगा। लेकिन जहां तक एक बात है जो इस वक्त समझने की है, जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ आए हैं वो ये है कि बिल आखिर अमेरिका ने अपना इक्वल मान लिया चाइना को, अब चाइना राइजिंग सुपर पावर नहीं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, अब वो एक सुपर पावर बन चुकी है। नंबर टू, एक चीज जो अमेरिकन को अब समझ आई है कि कॉरपोरेशन जो एक दूसरे के साथ तावन या कॉरपोरेशन से आगे बढ़ा जा सकता है, जो चाइनीज ने भी कहा है कि आलमी मसाइल के ऊपर हमें जो है एक दूसरे से बातचीत से उसे हल करना चाहिए ताकि पॉजिटिव वे के अंदर, और जो एज अ सुपर पावर हमारी जो फराइज हैं वो हमें दुनिया के अंदर अदा करने चाहिए। अगर अमेरिका इसी तरीके से हरकतें करता रहेगा तो उससे टेंशन होंगी लेकिन उससे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज जो है चाइना ने जो है बाहमी तावन और जो है ठंडा करके खाने की जो पॉलिसी है जिसका उन्होंने बात की है, ये बड़ा अहम चीज है कि वो की जाए। फिर उन्होंने कहा हम सुपर पावर्स हैं, हमें अपने जो है ना जिम्मेदारियां जो हैं उनको जो है बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए ताकि जो वर्ल्ड सिस्टम है उसके अंदर स्टेबिलिटी आए, ना कि ये हो कि हम एक दूसरे से लड़े दुनिया बट जाए और जो इस वक्त अजियतें दुनिया में मौजूद हैं वो भरें। इसी तरीके से हमने देखा क्लाइमेट के ऊपर भी जो है दोनों जो है वो काफी उनके अंदर हमने देखा कि एक लाइन पे आ गए हैं, बाकी मामलात पे भी इंशाल्लाह जो है आप देखोगे कि ये आएंगे, क्योंकि एट दी एंड वो चाइना इस कदर मजबूत है कि अमेरिका इस ट्रेड वॉर से तो नहीं उसे हिला सका। ठीक है, अपना नुकसान जरूर करा बैठा है, और जिसकी अब आपके सामने इन्फ्लेशन की सूरत में नजर भी चीजें आ रही हैं, और जिस तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से ऑकस बना लिए, क्वाड्स बना दिया, लेकिन अब उनको ये एहसास होना शुरू हो गया है कि इसके बावजूद अगर हमने चाइना से लिए कोई रेड लाइन नहीं है, चाइना कहाँ ग्रे जोन खत्म होता है और रेड लाइन शुरू हो जाती है। तो चाइना इस कदर पावरफुल है कि अगर अमेरिकन उसकी रेड लाइन जो है अबूर करते हैं तो काफी नुकसान उसके इतिहादियों को और उसे जो है ना जो है वो उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चाइना को चाहिए रेड लाइन क्रॉस बिल्कुल ना करे, जो चीजें अमेरिका को चाहिए, बिल्कुल जी अमेरिका को चाहिए कि वो चाइना की जो रेड लाइन है क्रॉस ना करे, जैसे कि साउथ चाइना सी का मसला है, इसके अलावा ताइवान का मसला है। अगर चीजें हैं भी तो मैं समझता हूँ कि टेबल पे बैठ के बातचीत हो सकती है,
अच्छी जगह टेबल पे बैठेंगे जब आप दोनों मुल्कों के अगर तरफ देखा जाए तो बैलेंस वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो एक साथ टेबल बैठ के बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत के जरिए जो है किसी भी मसले का जो हल है वो निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। अगर बड़े बड़े ममालिक जो है अफगान तालिबान को टेबल पर लेके आ सकते हैं, उनको टेबल पर उठा सकते हैं, उनके साथ टेबल बैठ के बातचीत कर सकते हैं और मामला तय आ सकते हैं, तो फिर ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है चाइना और अमेरिका के दरमियान। कि अमेरिका अगर रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो चाइना को चाहिए कि अमेरिका टेबल पर आके बैठे और बातचीत करें, और बातचीत के जरिए जो है मसलों का हल निकले। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।